हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रैवल मैजिशियन। मैं हूं आपका मैजिशियन संचित और लेके आया हूं आपके लिए एक नया बेहतरीन वीलॉग। दोस्तों, हम लोगों ने आपको राजस्थान के ट्रिप्स काफ़ी सारे कराए हैं। आप लोग भी कहते होंगे कि बार बार हम लोग राजस्थान के एरिया में जाते हैं टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द कंट्री। इस बार हमने कुछ चेंज पॉइंट करा है और इस बार हम आपको लेके जाएंगे नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया की ओर, यानी ऋषिकेश की तरफ। और हमारा नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन है ऋषिकेश, जो कि एक ग्रुप ट्रैवल है जिसमें हम लोग अराउंड 15-18 पीपल हैं जो कि हम ऋषिकेश की ओर ट्रैवल करेंगे और वहां पे दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं नेचर के साथ, कनेक्ट करके और इन्जॉय कर सकते हैं ऋषिकेश को। सो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट वीलॉग की ओर और आपको लेके चलते हैं ऋषिकेश। इस बार ही हमारा ट्रैवल कार से ना होके थ्रू बस है, तो हम लोग जाएंगे बस के थ्रू ऋषिकेश। साथ ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा रास्ते की, जिसमें आपको बताऊंगा कि कितना टोल आपको देना पड़ेगा अगर आप जाएंगे ऋषिकेश थ्रू बस या अपनी पर्सनल व्हीकल के थ्रू। और साथ ही हम आपको दिखाएंगे रोड कंडीशंस की इन्फॉर्मेशन एंड फूड, नॉट टू फॉरगेट द फूड, जो कि रास्ते में हम आपको रिव्यू देंगे। तो आइए चलते हैं ऋषिकेश। डिस्टेंस है 270 किलोमीटर अप्रॉक्स टाइम लगता है, अराउंड 4-5 आवर्स अगर आप जा रहे हैं थ्रू कमर्शियल व्हीकल या बस के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो 4-5 आवर्स आपको लगेंगे दिल्ली से इफ़ यू गो नॉन स्टॉप। और अगर आप अपनी व्हीकल से जाना पसंद करते हैं या अपने व्हीकल से जाते हैं तो आपको लगेंगे अराउंड 4 आवर्स, जो कि अप्रॉक्सीमेट गूगल भी आपको दिखाएगा अगर आप गूगल के थ्रू जाएंगे। आपको दिल्ली से ऋषिकेश जाने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे है थ्रू NH24। अगर आप मेरठ हाईवे पकड़ेंगे तो इट विल टेक यू थ्रू मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की एंड देन फाइनली यू लैंड अप इन ऋषिकेश। तो रास्ते कहना पड़ेगा आपके व्यूअर्स, काफी टाइम से आपके में ग्लिम्स सुन रहे थे, वो पूरा आपसे सुनना चाहते हैं कि आप। दिल्ली से जब हम लोग निकले तो सराय काले खां से हमने पकड़ाया एक्सप्रेसवे, जो कि NE3 है, एक्सप्रेसवे नंबर 3, नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3 है, जो कि सराय काले खां से आपको सीधा उतारता है मेरठ पे। इस डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली ये डिस्टेंस है अराउंड 70-75 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आप कवर करते हैं अराउंड 1 आवर के अंदर, जिसके अंदर आपको टोल देना पड़ता है विद इफेक्टिव फ्रॉम 1st of April, जो रिवाइज हुआ है। अब करंट प्राइजेज ऑफ टोल हैं जो कि है 145 रुपीज़ पर कार, जो कि आपको वहाँ पे देना पड़ेगा मेरठ टोल पे। साथ ही आपको सेकंड टोल मिलेगा जो कि मिलेगा UP वेस्ट एंट्री टोल गेट, जिसके चार्जेस मैं आपको भी आगे ब्लॉग में बताने वाला हूँ कितना है। टोटल
कंबाइन चार्जेस आपको ऋषिकेश तक कितने लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। हम पहुंच गए हैं अपने पहले पिट स्टॉप की ओर, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसका नाम है नमस्ते मिडवे। जी हाँ, अगर आप दिल्ली से निकलते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच सकते हैं इस स्पॉट के लिए, जो कि फेमस है काफ़ी अपनी वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस के लिए, जो इंक्लूड करता है यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको हल्दीराम्स मिलेगा, यहाँ पे कैफे बरिस्ता मिलेगा, आपको यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स मिलेगा, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब हम आपको लेके चलेंगे अंदर और दिखाएंगे कि फूड क्वालिटी क्या है यहाँ पे, कि हम आपको कितना रेटिंग इस पर्टिकुलर स्पॉट को देते हैं। तो चलिए चलते देखते हैं अंदर। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं नॉर्थ इंडियन फूड या फिर एक पर्टिकुलर बर्गर्स वगैरह अगर आप पसंद करते हैं फास्ट फूड के अंदर, तो वो ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और साथ ही आपको मिलेगा साउथ इंडियन फूड भी। जी हाँ, काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, काफ़ी हैपनिंग एम्बियंस है यहाँ का। आई वुड से आप यहाँ पे आएंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। फिर डिस्कशन के बाद हम लोगों ने फाइनलाइज किया है कि हम लोग ट्राई करेंगे नॉर्थ इंडियन फूड। तो अब हम जा रहे हैं सीधा हल्दीराम के अंदर और बताते हैं आपको हल्दीराम की फूड क्वालिटी, पर्टिकुलरली इस प्लेस पे नमस्ते मिडवे पे किस लेवल की है। हमने ब्रेकफास्ट और हल्दीराम का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग गए थे हल्दीराम में नॉर्थ इंडियन ट्राई करने फूड, काफ़ी वैरायटीज ऑफ फूड हमने ट्राई करे, छोले भटूरे, ब्रेड मी पूरी एंड ग्रिल्ड सैंडविचेस। तो ओवरऑल हल्दीराम का टेस्ट स्टैंडर्ड, ओवरऑल हर जगह ही हल्दीराम का टेस्ट स्टैंडर्ड रहता है, वही यहाँ पे आपको मिलेगा। क्वालिटी वाइज नो डाउट फूड इज़ वेरी गुड, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए हल्दीराम पे। अगर आपका नॉर्थ इंडियन खाने को मन है, आपके पास पराठों के भी ऑप्शन है हल्दीराम पे, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं, तो काफ़ी अच्छे फूड या ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं हमने किया है। मेरी ओवरऑल रेटिंग पर्टिकुलरली दिस ब्रेकफास्ट के लिए रहेगी 8 out of 10। दो नंबर मैं थोड़े ऑर्डर डिलीवरी सर्विस के लिए काट रहा हूँ, जो कि थोड़ी सी स्लो लगी ड्यू टू कंजेशन ऑफ पीपल। बाकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फूड, टेस्ट ऑफ फूड वॉज एक्सीलेंट। अब मैं आपको लेके चलूंगा स्टारबक्स में, जहाँ पे हम ट्राई करेंगे वहाँ की कैरामेल कॉफ़ी, और आपको बताऊंगा कि कैरामेल कॉफ़ी का कैसा टेस्ट है स्टारबक्स की। आइए चलते हैं स्टारबक्स। कॉफ़ी का टेस्ट था माइंड ब्लोइंग, एकदम ज़बरदस्त। अगर आप कॉफ़ी ट्राई करेंगे कैरामेल कॉफ़ी स्पेशली, तो काफ़ी ही यूनिक टेस्ट, रिफाइंड टेस्ट मैं आपको कहूँगा मिलेगा। तो मैं इसको दूंगा 9 out of 10। एकदम आप ब्रेकफास्ट के बाद इसे ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी रिफ्रेशिंग है। कोल्ड पर्टिकुलरली बेवरेजेस में आप ट्राई कीजिएगा इन प्लेस ऑफ हॉट, क्योंकि टेम्परेचर आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो कोल्ड के अंदर आपको ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेटर टेस्ट और रिफ्रेशमेंट देगा एज़ कम्पेयर टू हॉट। यहाँ था हमारा 1.5 hours का स्टॉप, जिसके अंदर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम निकलने के लिए तैयार हैं दोबारा ऋषिकेश के लिए। तो आइए हम चलते हैं बस के अंदर और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी टुवर्ड ऋषिकेश।